नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में या आने वाले मंथ में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हुए हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को क्या करना है, अंत तक जरूर देना, यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट किया जाए। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। एक ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इस वेबसाइट का, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कुछ कमी लगे या आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकिएगा, मैं और भी उस पर क्वेश्चन ऐड करूँ और भी अपलोड करूँ, ठीक है। और ये अपने भाई का फेसबुक पेज है, इस पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, ठीक है। कुछ पूछना चाहे तो आप बेशक पूछ सकिएगा। तो चलिए आज के टेस्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट को अटेंड करिए। आपके अगर कोई अराउंड में कोई दोस्त जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाला है या कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखता है, तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ किस प्रकार के ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आते हैं, ठीक है, जिससे उनको भी आइडिया मिल सके। और आप तो कंटिन्यू वीडियो देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत सारे जानकारी देता रहूँगा, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ट्रिपल सी से रिलेटेड तो मैं आप लोगों तक बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज की जो टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। बहुत ही जनरली और कॉमन सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है ट्रिपल सी के। पिछले बैच के जब कई स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे टॉप लेवल पे रख दिया जाए इस वीडियो में, तो इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में टॉप लेवल पे रख दिया। तो एक नंबर है एनिक, बी नंबर सुपर कंप्यूटर, डी नंबर एडवेक, डी नंबर IBM 701। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा, गेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एनी एक, इसका जो फुल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एनी एक, ठीक है। ध्यान देना, एनी वैक मत सिलेक्ट कर लेना, एनी और कुछ भी हो सकता है समथिंग समथिंग, लेकिन आपको ANENISC वाला सेट करना है। कभी कभी हो जाता है कि ए लिख देते हैं, तो आप ए वाला मत सिलेक्ट करिएगा, जैसे ANAC, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो आप इसको मत करेक्ट करिएगा, इसको रॉन्ग करिएगा, जहाँ पर ई से शुरू होगा ENIVAC वो आप करेक्ट करिएगा, यानी कि ए नंबर वाला, क्योंकि कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में दे दिए जाते हैं और बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण डिवाइस है। ए नंबर चिप, बी नंबर हार्ड डिस्क, सी नंबर फ्लॉपी डिस्क और डी नंबर है USB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, USB ड्राइव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, यानी कि कन्वर्ट तो करता है एज वेल एज प्रोसेस भी करता है। तो नंबर एक है स्टाइल्स, बी नंबर है प्रोसेसर, सी नंबर है कंप्यूटर, डी नंबर है मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेसर, जो आपको इन्फॉर्मेशन के आप कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, और जिस फॉर्म में आप इनपुट देते हैं सेम एज टू, उसी फॉर्म में वो आप लोगों को आउटपुट प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ए नंबर चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचनाओं को, बी नंबर संख्या को, सी नंबर चिन्ह को, डी नंबर दी गई सूचनाओं को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चिन्ह व संख्याओं, संख्यात्मक सूचनाओं को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। वाह, क्या क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए नंबर है CPU, बी नंबर है UPS, सी नंबर कीबोर्ड, डी नंबर है माउस। तो CPU यानी माउस का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU ऐसे, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। अभी
दो वीडियो पहले मैंने जब अपलोड की थी उसमें बताया था टाइम इंसर्ट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम डेट कैसे इंसर्ट करेंगे, जो आपके कंप्यूटर की लैपटॉप की करंट डेट है उसको हम एक्सेल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस शॉर्टकट कीज के द्वारा हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो ए नंबर है कंट्रोल प्लस टी, बी नंबर है आल्ट प्लस टी, सी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, डी नंबर है कंट्रोल प्लस कॉलन या सेमी कॉलन, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या कॉलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, आप देखिएगा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होगा, दो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। नंबर एक प्रिंटर, नंबर बी है यूपीएस, सी नंबर पेरीफेरल, डी नंबर सीपीयू। वाह क्या क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा। कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो आप इसे प्लीज बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी कुछ गेस करिए तभी तो आप एग्जाम में टॉप करेंगे। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। डेटा इनपुट के लिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है लेकिन कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलत ही टिक करके चले जाते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन आपको जो मेरे द्वारा बताए गए यानी मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट है उनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब समझिए फिर आंसर उसका बताइए, तो आप लोग कभी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, ये नहीं होता कि एक मिनट का, एक नब्बे है आप लोगों के जो 90 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आप बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आपका आंसर तुरंत मालूम गएगा तो आप उसे 5 सेकेंड में डन कर लेंगे, तो आपको उधर 55 सेकेंड मिल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी पहले क्वेश्चन का मतलब समझा दूं, डेटा इनपुट करने के लिए यानी कुछ हम लिखते हैं बार बार करते हैं उसका उपयोग, वो हार्डवेयर, वो हार्डवेयर है जैसे हम टच भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक जनरली इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और ये साथ साथ में हार्डवेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए नंबर हार्ड डिस्क, बी नंबर आइकन, सी नंबर माउस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको मालूम ही होगा, सिलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए किसी डेटा को हम माउस का प्रयोग करते हैं, इसे हम पुट करते हैं, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल डिवाइस है। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल डिवाइस है। तो नंबर एक है माइक्रोपेन माइक्रोफोन, बी नंबर स्कैनर, सी नंबर डिजिटल कैम रिकॉर्डर, डी नंबर उपरोक्त तो सभी। तो भाई ये सब हमारे डिजिटल डिवाइस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोफोन है, स्कैनर, डिजिटल रिकॉर्डर है, कैम रिकॉर्डर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा क्योंकि सब हमारे डिजिटल डिवाइस हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रिपल सी के एग्जाम में पिछले 3-4 महीनों से एक नया सिलेबस ऐड किया गया है जिस सिलेबस का नाम है लाइब्रो ऑफिस, जो कि आपके एमएस ऑफिस की तरह ही होता है, बट उससे कुछ डिफरेंट होता है। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लाइब्रो ऑफिस से ही पूछे जा रहे हैं, तो जितना हो भी सके आप लाइब्रो ऑफिस की वीडियो और लाइब्रो ऑफिस के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और मैंने भी लाइब्रो ऑफिस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई हैं आप लोगों के लिए, अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और सारी वीडियो देख लीजिए, आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिलीट किए हुए मेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि आप फिर गलती से कोई मेल डिलीट हो गया, ठीक है, ओके, या आपने डिलीट ही कर दिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद मैंने इसे पिछली वीडियो में भी रखा था तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ट्रेस, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर ट्रू। जब आप कुछ गलती से या जानबूझ के आपसे डिलीट हो जाती है तो बाद में आपको एहसास होता है कि हाँ इस फाइल को हमें नहीं डिलीट करनी चाहिए थी, अब डिलीट हो गई गलती से, अब कहाँ मिलेगी। तो आप ईमेल में जब जीमेल अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ट्रेस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से आप अपने डिलीट की हुई फाइल को यानी कि डिलीट किए हुए जो भी आपका इमेज है फाइल है वो आप रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बूटिंग कंप्यूटर का एक प्रोसेस होता है। तो जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, क्या है, ट्रू है, बूटिंग कंप्यूटर का एक प्रोसेस ही होता है, जो कि जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो आपको प्रोसेस यानी विंडो दिखती नहीं है, जब एक मिनट या बहुत सिस्टम में क्या होता है ना कि आधे मिनट में यानी कि 30 सेकेंड में या एक मिनट तक का आप लोगों को जो प्रोसेस होता है, जब विंडो ओपन होती नहीं कुछ लिख के आता है ना, तो वही होता है हमारा बूटिंग।
वही होता प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक स्थिति में लाल होता है, तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। अब भैया बताएं क्यों ये हो जाएगा फाल्स। अब देखो इसका जो राइट आंसर फाल्स क्यों हो गया, क्योंकि जो हाइपरलिंक होता है आप लोगों को वो किस कलर में होता है, नीले कलर में होता है, यानी कि ब्लू। ठीक है, नीला होता तो आप वहाँ करेक्ट करिएगा। ठीक है, नीला है नीले। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए हाइपरलिंक का पारंपरिक स्थिति में जो रंग होता है या कलर होता है वो लाल होता है, तो आप इसे फाल्स करिएगा अगर लाल की जगह कहीं पर आपको मिल जाए ब्लू मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए नीला या नीले, तो आप ट्रू करिएगा। ठीक है, नीला या ब्लू आपको देखने को मिले, लेकिन रेड है यानी कि लाल है तो आप फाल्स करिएगा, क्योंकि जो पारंपरिक कलर होता है इसका नीला ही होता है। और जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो होती है क्या होती है दोस्तों, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, हो सकता है शॉर्टकट की पूछ ली जाए तो आपके दो तीन क्वेश्चन इसी में रिकवर हो जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, जी बिल्कुल फाल्स क्वेश्चन है। कीबोर्ड आपका अभी ऊपर मैंने बताया कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्डवेयर के रूप में होता है और जो कि जनरली बहुत यूज किया जाता है। राइट आंसर फाल्स हो जाए, क्योंकि आउटपुट नहीं है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीजी एक फाइल एक्सटेंशन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। फाल्स हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे फाल्स क्यों हो जाएगा भैया, तो फाल्स इसलिए हो जाएगा भैया क्योंकि ये फाइल जो जेपीजी होता है एक फोटो या इमेज का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो जो जेपीजी जैसे कि आपके कोई फोटो खिंचा ओपन करते हैं खिंचाते हैं ना, तो जेपीजी हो जाता है, बीएमजी हो जाता है, पीएनजी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सब इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा फाल्स। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन बताई गई आपको यूजफुल होती है, आपके लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मोटिवेशन के लिए एक लाइक करिए, जिससे मैं और भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ जो भी अपडेट मिले। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।